गुड मॉर्निंग क्लास 10। अर्थशास्त्र में हम पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और इसमें हमने ये देखा था कि अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा था कि क्षेत्र जो है वो तीन प्रकार के जाते हैं। पहला था प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, ये आपको वीडियो में भी बता दिया जा चुका है, प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा आपका हो जाता है द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। तीसरे में आपका आता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है, तृतीय। तो यहाँ पर तक कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि जो क्षेत्र है वो तीन है, प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। और हम इतना भी जान चुके हैं कि प्राथमिक जो है उसमें कृषि संबंधी चीजें आएंगी, वो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है और हम उसका क्या करते हैं, डायरेक्ट व्यापार करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितनी भी क्रियाएं हैं वो कृषि से संबंधित होगी। आगे बात समझ में। फिर सेकंड हम देखते हैं द्वितीयक, इसको हम क्या कहते हैं, विनिर्माण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कारखानों या मशीनों का प्रयोग करने लग जाते हैं। जैसे जो चीज हमें यहाँ से प्राप्त हुई, हमने यहाँ पर उसको मशीनों से क्या कर दिया, उसका दोबारा निर्माण कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है ना, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जो द्वितीय क्षेत्र है आपका, वो कहलाया जाता है विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र में जो क्षेत्र क्या करता है, इन दोनों क्षेत्रों की सहायता करता है किसी भी प्रकार में, ठीक है, किसी भी कार्य में लोगों की सहायता कर रहा है, वो क्या होगा आपका, तृतीय क्षेत्र को जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसमें हमें पता है कृषि संबंधी चीजें आ गई, जैसे डेयरी उद्योग है, ठीक है, ऐसी चीजें आ गई। दूसरी चीज में हमने देखा कि औद्योगिकरण आ गया, कारखाना आ गया, ऐसी वाली चीजें आ गई। तीसरे में क्या आएगा आपका, जैसे स्कूल्स हैं, बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, या फिर व्हीकल्स हैं, यानी कि गाड़ियां हैं, यातायात के साधन हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई आपकी, इन तीनों क्षेत्रों को में आ गई। आई होप कि ये क्या होगा आपको अच्छे तरीके से क्लियर दिख सकता होगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि सब पहले जो है वो कहाँ पर, कौन से वाले सेक्टर में, कौन से वाले क्षेत्र में ज्यादा रोजगार दिया जाता था, राष्ट्रीय आय में कौन सा जो क्षेत्र है उसका योगदान ज्यादा रहता था, ठीक है, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। कल एक जो वीडियो हमने लास्ट में खत्म करी थी, अपना टॉपिक, एक टॉपिक था आपका संगठित व असंगठित, संगठित व असंगठित क्षेत्र। एक अन्य आधार पर आपके क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसको कहा जाता है संगठित और असंगठित क्षेत्र, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए कि समझ लीजिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लो कि ये क्या है, एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। अगर कार्य की बात करें तो ये व्यक्ति 9 to 5 की जॉब करते हैं, ठीक है, 9 to 5 उनकी जॉब का टाइमिंग है। सैलरी की अगर बात करें, ठीक है, सैलरी की अगर बात करें तो महीने के आखिर में, मंथ के लास्ट में, इनकी काम जितना भी रहेगा उसके आधार पर, चाहे ये करें या काम ना करें या किसी वजह से छुट्टियों पर हो, पर फिर भी इनकी सैलरी जो है वो एंड लास्ट जो है इनको मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी अलाउंस है इस व्यक्ति को क्या मिलते हैं, जितनी भी बीमारियों की अगर पैसे चाहिए उसका खजाना मिलता है, और बाकी बहुत सी सेवाएं जो है वो उसको मिल रही है, जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो इसको मिल रही है, और ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी साइड देखें हम, ये जो वीर व्यक्ति है, ठीक है, इसका जो काम करने का समय है, पहले वाले का समय क्या है, 9 to 5 है ना, एक लिमिटेड टाइम है, अगर 9 to 5 भी नहीं तो 8 to 2 हो सकता है, ये क्या है, फिक्स टाइमिंग है, किस व्यक्ति का, ए व्यक्ति का, ठीक है। बी व्यक्ति का अगर हम देखें तो ये सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक कार्य करता है, ठीक है, और अगर कार्य ज्यादा हो तो ये जो टाइम है वो यहाँ से 10 हो जाता है, ठीक है, और कभी अगर उसका मन नहीं बिके तो वो क्या कर देता है, यहाँ पर इसको 8 कर देता है। मतलब यहाँ पर इसकी जो समय है वो क्या है, अनिश्चित है। अगर हम समय की बात करें तो बी वाले का जो कार्य है वो समय है वो अनिश्चित है। दूसरा हमने बात करी है वेतन की, तो ये वाले का जो वेतन है, ये अगर क्या करे, पूरा कार्य भी करे, पूरा कार्य भी कर रहा है, फिर भी जो इसकी वेतन है उसमें क्या देखी जाती है, अनियमितता देखी जाती है, ठीक है। अनियमितता कहने का मतलब है कि ये तो अगर जितना
जितना भी कार्य करे मान लो इसकी क्या है 5000 है, तो ये इसको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। चाहे कार्य करे ये व्यक्ति या ना करे, अगर सैलरी का मानक ये है 5000 तो इसकी 5000 रहेगी रहेगी। पर बी का क्या हिसाब है? अनियमितता इसलिए है कि जिस रोज इसका काम चल पड़ा उस समय इसके पास 10000 भी हो सकते हैं, जिस रोज इसका काम नहीं चला इसके पास 1000 रुपये भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि वेतन में कोई भी एक सीमितता नहीं है किसमें, बी सेक्शन में, ठीक है। और सेवा की बात करें तो अगर जिस रोज ये काम पे नहीं जाता है इसको कोई भी वेतन उसका नहीं मिलता है। अब ये दो एग्जाम्पल आपने देखे ए और बी। अगर सीधी सीधी भाषा में समझाया जाए तो जो ए है ये आपका है संगठित क्षेत्र, ठीक है। संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र से मान सकते हैं कि जो भी प्रक्रियाएं जो भी कार्य किसके अंदर, सरकार के अंदर चलते हैं, यानी कि सरकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज होते हैं, सरकारी नीतियों पे चलते हैं, ठीक है, वो किसमें आ जाता है आपका संगठित क्षेत्र में आ जाता है। इतनी बात समझ में आई कि जो क्या है संगठित क्षेत्र है वो किसमें किसके अधीन चलता है, सरकार के। आप इसको अपनी भाषा में गवर्नमेंट जॉब भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। इसी वजह से जैसे क्या है एक फिक्स टाइमिंग है संगठित क्षेत्रों की, एक फिक्स सैलरी है, काम आपको करना तो जरूरी है पर आप किसी भी कार्य करने के लिए उतनी ज्यादा बाध्य नहीं है। अगर आपका छुट्टी का टाइम 5 बजे है तो आप 8 बजे तक वहां पर रुकने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ अगर आप अपनी योजनाओं से रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर किसी भी टाइम के लिए बाध्य नहीं है। अगर इन द सेंस की कभी क्या हो गया किसी वजह से आपको छुट्टी लेनी पड़ी, ठीक है, तो आपको या फिर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो उसके लिए आपको सारी ही सुविधाएं दी जाएंगी कहाँ पर, संगठित क्षेत्र में, ठीक है। आगे बात समझ में आती कि और दूसरी तरफ अगर हम बी देखें तो जो ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहाँ पे ना ही टाइम का कोई फिक्सेशन है, यानी कि टाइम कोई फिक्स नहीं है, दूसरी चीज वेतन की अनियमितता है। अगर मैं आज कार्य करने जा रही हूँ, अगर एक दुकानदार है वो दुकान में जा रहा है तो आज उसको लाभ होगा, अगर वो कल अपनी दुकान बंद रखता है तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी चीजें नहीं चलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है या कोई निजी व्यक्ति या कोई निजी संस्था जो है इसको चलाती है, कौन से सेक्शन को, बी सेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना समझिए कि संगठित क्या हो गया, संगठित वो क्षेत्र है जहाँ पर सरकारी सेवाएं जो है वो ज्यादा के थ्रू काम होता है, सरकारी के थ्रू काम होता है। और जो असंगठित है वो क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, यानी कि जहाँ पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का कार्यकाल चलता है। अब ये तो एग्जाम्पल से समझने की बात थी, अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में सामने सामने आ रहे हैं, मतलब अगर हम इसको क्लियरली देखें कि इसमें क्या है तो आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में इन दोनों के बीच में अंतर आता है। यहाँ पर इस सेक्शन पर हम बात करेंगे संगठित की और यहाँ पर हम बात करेंगे असंगठित की, ठीक है। इसको ऐसे तुलना हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसके विषय रख सकते हैं कि किस विषय या बिंदुओं पर हम क्या कर रहे हैं, अंतर लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए समय, कार्य समय, कार्य समय की अगर बात करें तो संगठित में क्या है, कार्य समय जो है वो सीमित है। आप इसको पूरा लिखेंगे, जैसे मैं एक वर्ड लिखी हूँ आप इसी में, पर आप इसी जब कॉपी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पूरी तरीके से लिखेंगे कि संगठित क्षेत्र जो है वहां पर कार्य समय सीमित है, ठीक है। अगर इसके दूसरे में देखें तो असंगठित में क्या है, कार्य असीमित है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 से 10 भी जा सकते हैं आप, 8 से 2 भी जा सकते हैं, यहाँ पर आपकी मर्जी है। यहाँ पर सीमित में क्या है, स्कूल का टाइम 8 से 9 से 4 है, ठीक है, तो वो टाइम उतना ही रहेगा, हम उसको 9 से रात के 9 से नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है सरकार के थ्रू चलता है, सीमित समय है। और दूसरी चीज हमने वेतन की बात करी, यहाँ पर वो भी क्या होगा, निश्चित होगा, पूरा पूरा लिखेंगे आप, इसको सुन लीजिए कि आप एक पॉइंट में नहीं लिखेंगे, पूरा सेंटेंस में आके लिखेंगे। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं संगठित कार्य में उस स्कूल में, नहीं अगर आप एक ऑफिस की बात करें तो जितने भी इंसान वहां पे काम कर रहे हैं सबका जो वेतन मान्य होगा उनके पद के अनुसार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को उस पोस्ट के लिए अलग पैसे दिए जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को उसी पोस्ट के लिए अलग पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अनिश्चितता है वो इसमें नहीं होगी। आगे का समझे, अगर एक एम्प्लॉय जितना निर्धारित है, मान लो एक क्लर्क की अगर उन्होंने कहा है कि 10,000 होगी, तो उसकी जगह पे आने वाले दूसरे जो
सैलरी क्या होगी 10,000 होगी। आगे बात समझ में, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वेतन में कोई भी अनिश्चितता नहीं होगी। जैसा मानव दंड तैयार किया गया है मानव दंड वैसा ही तैयार होगा। आगे बात समझ में थी। और असीमित में क्या होगा, अगर असंगठित की बात करें तो असंगठित में क्या होगा कि ये चीज निश्चित ना होगी, क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या निजी संस्था का मतलब है। तो यहाँ पर क्या है, वो किसी व्यक्ति को उसका कार्य देख के ज्यादा अच्छा पैसे भी दे सकता है, ठीक है। अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो उस कार्य को क्या कर सकता है, उस वो जो व्यक्ति है उसको कम पैसे भी दे सकता है। ये आपकी डिपेंडेंसी है, आपकी कंपनी है, आप जॉब करवा रहे हैं, तो आप किसी व्यक्ति को ज्यादा पैसे भी दे सकते हैं, उसके काम के आधार पर किसी को कार्य करने पर ज्यादा पैसे नहीं भी दे सकते। ये तीन अंतर हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर सेवा की बात करें यानी कि सुविधाओं की बात करें, तो सुविधा जो है इसके कंपैरिजन में असंगठित के तुलना में संगठित में ज्यादा दी जाती है, ठीक है। या आप देख सकते हैं कि सुविधाएं दी जाती हैं और यहाँ पे सुविधाएं निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। एक आप देख सकते हैं कि सुविधाएं जो है वो निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ तो जो सुविधाएं दी गई है वो एक मानक पहले से ही तैयार होगा कि यहाँ पर कार्य करने वालों को एक एक सेवाएं दी जाएंगी। आप बीमार हैं तो आपको छुट्टी दी जाएगी, आपके लिए दवाई के लिए खर्चे दिए जाएंगे। पर असंगठित में क्या है, अगर संस्था चाहे तो आपको सुविधाएं दे सकती है, अगर वो निजी व्यक्ति चाहे जिसकी कंपनियां हैं तो वो आपको सुविधाएं नहीं भी दे सकती, ठीक है। तो ज्यादा सिक्योरिटी की बात कहां जाती है, संगठित में। और इसका अगर पॉजिटिव देखें तो वेतनमान यहाँ तो निश्चित है, ठीक है। अगर मैं 10,000 की हूँ तो यहाँ पे 10,000, पर यहाँ पर एक अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर मैं कार्य ज्यादा करती हूँ तो मुझे ज्यादा भी मिल सकता है ना। तो ये क्या है, बेसिक अंतर है इसमें संगठित और असंगठित के बीच में। इतनी बात समझ में आ गई, आप इसको अच्छे से करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछेंगे।